हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैच नंबर 13 के रिव्यू के बारे में, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच। एंड जो ये मैच है वो खेला जाने वाला है चेन्नई के पिच पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीम्स के बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के बारे में। एंड जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें मैं बात करूंगा प्रेडिक्शंस के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि प्रेडिक्टेड विनर एंड द प्रेडिक्टेड बाहुबली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के साथ। तो इधर सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं चार चेंजेस करूँगा। तो इंडियन प्लेयर्स में मैंने ललित यादव एंड मेरीवाला की जगह पे इंक्लूड किया है अजिंक्य रहाणे एंड अमित मिश्रा को। तो फॉरेन प्लेयर्स में मैंने वोक्स एंड स्मिथ की जगह पे इंक्लूड किया है हेटमायर एंड नॉर्किया को। यहाँ पे मैंने नॉर्किया को इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि हमें पता है कि रबाडा एंड नॉर्किया का जो लास्ट सीजन का जो कॉम्बो था वो काफ़ी ज़्यादा डेडली था फॉर मैनी टीम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग रबाडा एंड नॉर्किया शुड बी दी फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शंस टू गो विद। यहाँ पे मैंने अमित मिश्रा को इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स फ्रेंडली है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे हेटमायर एंड अजिंक्य रहाणे को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम देखते हैं मुंबई इंडियंस की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के बारे में। पिछले मैच के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस में सिर्फ एक चेंज होना चाहिए, जो कि हो सकता है एडम मिल की जगह पे जेम्स निशम, क्योंकि जेम्स निशम की हेल्प से मुंबई इंडियंस के पास लोअर ऑर्डर में एक बैटिंग एंड बॉलिंग ऑप्शन और इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्टेड विनर होगा वो होना चाहिए मुंबई इंडियंस को, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है एंड उनको पता है कि इस पर कंडीशंस कैसी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेडिक्टेड बाहुबली के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्टेड टॉप परफॉर्मर रहेगा वो होना चाहिए ईशान किशन को। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया है कि मुंबई इंडियंस जीतेगी ये गेम, तो उसी में ईशान किशन का काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है मुंबई इंडियंस की जीत के लिए, क्योंकि हमें ईशान किशन की अभी तक कोई भी एक तगड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिली है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मैच है उसमें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगेंस्ट दी दिल्ली कैपिटल्स बॉलिंग लाइनअप। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कौन सा प्रेडिक्टेड विनर रहेगा एंड आपका प्रेडिक्टेड बाहुबली भी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर कोई थॉट रहता है रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो वो भी। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।